खबर सरायकेला से है, जहां के गम्हरिया स्थित औद्योगिक क्षेत्र की फेज 6 में इंडस्ट्रियल फोर्ज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में आग लग गई, जिससे एक कर्मचारी की मौत की खबर आ रही है। मीडिया को फिलहाल मामले में रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है। कंपनी में हर शिफ्ट में करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये धुएं का गुबार, और ये बता रहा है कि आग कैसे लगी होगी, क्योंकि ये इस कंपनी में आग लगी। और अब तक जो खबर सामने आई है वो ये कि एक कर्मचारी की मौत हो गई है, और हालांकि इस मामले में रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है वहां पर पत्रकारों को। इंडस्ट्रियल फोर्ज ये कंपनी जिसमें आग लग गई, हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, और आग का दायरा क्या है अभी वो भी नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि वहां पर मीडिया को घुसने की इजाजत नहीं दी गई है, रोका जा रहा है। और लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि एक कर्मचारी की मौत हो गई है। अब बाकी जानकारी के लिए कंपनी की तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। हालांकि ये तस्वीर आप देखिए, दमकल की टीम मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये काले धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आग भयानक रूप से लगी है कंपनी में। एक कर्मचारी की मौत की भी खबर है। औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ सरायकेला से सुनील जुड़ चुके हैं, सहयोगी सुनील। अब मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या पता लग पाया है कि आग लगने की वजह क्या थी, आग का दायरा क्या है, और क्या कुछ अपडेट? आरती, आपको मैं बता दूं, इस ये फोर्जिंग कंपनी है, और फोर्जिंग कंपनी में होता क्या है कि जहां पे फोर्ज किया जाता है लोहे को, उस जगह पे लोहे को काफी गर्म करना पड़ता है। एक भट्टी होती है, उसके द्वारा मतलब गर्म किया जाता है, जिसमें तेल का छिड़काव करके उसमें आग लगाया जाता है। और अभी हुआ क्या है कि तेल का जो छिड़काव करने वाला टंकी है, वो टंकी में आग लग गई है, शायद वो फट गई है। और उसमें आग लगने के चलते ही मतलब ये डिस्टर्बेंस हुआ है, और पूरे मतलब भगदड़ मच गई है कंपनी में, और सारे के सारे वर्कर मतलब वहां से निकल चुके थे, लेकिन ये अभी ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि मतलब अंदर क्या है, क्योंकि मीडिया घुसने की प्योर बनाई है, अंदर जाए नहीं है। हो सकता है सेफ्टी के कारण भी मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा हो, कि कहीं कोई और दुर्घटना ना हो जाए, कहीं दुर्घटना का शिकार मीडिया कर्मी ना हो जाए, ये भी एक कारण है। लेकिन बड़ी दुर्घटना का ये एक संकेत है, और जिस तरह से आग लगी है, कोई छोटी मोटी आग नहीं लगी है, बहुत बड़ी आग लगी थी इस कंपनी में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कारणों का भी पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पा रहा है। एक मौत की खबर आ रही है सुनील, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो सूत्रों के अनुसार वहाँ के जो वर्कर थे, कुछ लोग बोल रहे कि नहीं, बड़ा हताहत भी हो सकता है, और शायद किसी की मौत भी हुई हो उसमें, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल रही, लेकिन सूत्रों से मालूम चल रहा है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही समझ में आएगा कि मतलब चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स लेंगे कि क्या कुछ, जब मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी, जब खबरें पूरी तरह से आ पाएंगी कि आग कैसे लगी और कितना नुकसान हो पाया है और कैजुअलिटीज क्या है, ये तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो सरायकेला के औद्योगिक कंपनी में आग लगी है, इस बीच खबर ये है कि एक कर्मचारी की मौत हो गई है इस आगलगी में। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, क्या कर्मचारी की मौत हुई है और कितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ये तमाम अपडेट्स लेने की कोशिश की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।